सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की सच्ची घटना लखनऊ से है। आज के जमाने में पति पत्नी का रिश्ता सुचितापूर्ण होना बहुत आवश्यक है। पति पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र होता है हमारे संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में। विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने भारतवर्ष में पति पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र माना जाता है। इसके बीच में सुचिता बहुत आवश्यक है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और जो लोगों की मानसिकता हो रही है, परिवार से विलग रहने की जो सोच है, उसके चलते रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कहानी है रवि की, उसकी पत्नी रीमा की, और एक दूध वाला रोशन किस तरह इनके घर में इनके परिवार को तोड़ देता है, हम जानेंगे। बहुत रोचक कहानी है। आप जानेंगे किस तरह रवि ने इन चीजों को फेस किया और एक अच्छा डिसीजन लिया, जिससे कि रवि की तारीफ हो रही है। तो रवि लखनऊ के पास ही एक गांव का रहने वाला युवक, पढ़ने लिखने में अच्छा था। कंपटीशन के बाद में उसकी जॉब लग जाती है बैंक में, सरकारी बैंक में अधिकारी के रूप में उसको जॉब मिल जाती है। लखनऊ जाता है, वहां नौकरी करता है। किसी भी छुट्टियों में जब घर आता है तो घर वाले रवि से कहते हैं, बेटा आप शादी कर लो, तुम्हारी जॉब लग गई है, सेटल हो गए हो। रवि भी हाँ कर देता है। शादी तय हो जाती है, ज्यादा दूर नहीं, बगल के ही किसी गांव में उनकी शादी रीमा नाम की लड़की से हो जाती है। रीमा काफी सुशील, पढ़ी लिखी, सज्जन लड़की, उसके साथ में काफी जांच पड़ताल के बाद में शादी तय हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है, खुशी खुशी रहने लगते हैं। रवि जाता है लखनऊ, वहां पर जॉब करने के बाद में आता है कुछ दिनों बाद, तो अपने माँ से कहता है, माँ मैं रीमा को इस बार साथ ले जाऊंगा। माँ कहती है, बेटा समय खराब है, रीमा को साथ मत ले जाओ, तुम्हारे जब एक दो बच्चे हो जाएं तब रीमा को साथ में रखना, अभी परिवार में ही रहने दो। यहीं पे रवि धोखा खा जाता है, रवि जिद पकड़ लेता है, कहता नहीं मुझको वहां दिक्कत होती है, मैं रीमा को साथ में ले जाऊंगा। उसकी जिद के आगे माँ बाप हार जाते हैं, रीमा को भेज देते हैं उसके साथ में। दोनों जाके लखनऊ में सेटल हो जाते हैं, लखनऊ में कॉलोनी में जहां पे रहते थे किराए पर। तो रवि जाता है बैंक, ड्यूटी करता है, शाम को आता है घर। रीमा इसी बीच में जो बाजार का काम होता है, घर का काम होता है, दुकान जाना, ये जाना, वो काम सब रीमा संभाल लेती है। इसी बीच इनके घर में जो दूध वाला आ रहा था वो काम छोड़ देता है। रीमा कहती है किसी दूसरे दूध वाले को लगा लो। रवि कोशिश करने लगता है, किसी दूसरे दूध वाले की तलाश करता है, तो कॉलोनी में ही एक रोशन नाम का दूध वाला आता था, लड़का बगल के ही गांव का था। तो रवि उससे बात करता है, रोशन से कहता है, भैया हमारे घर में भी दूध दे दिया करो। रोशन कहता है, ठीक है दे देंगे सर। ये कह के दोनों का मतलब पक्का हो जाता है क्या रेट है क्या क्या नहीं है, और रोशन जो है उनके घर में दूध देने लगता है। रीमा और रोशन की बातचीत शुरू होती है। रोशन एक युवक था, नया लड़का था, रीमा जो है वो भी नई, उसकी शादी हुई थी, और जो रवि था उसकी भी उम्र 26 वर्ष थी, तो तीनों नवयुवक ही थे। तो जब बातचीत होने लगती है धीरे धीरे, तो बातचीत फिर घंटों में होने लगती है। कानूनी के लोग परेशान हो जाते हैं, रोशन की शिकायत करने लगते हैं, रोशन से ही कि तुम देर में आते हो, हमारे घर में देर हो जाती है। रोशन तरीका ढूंढता है, सोचता है कि अब रीमा के घर में सबसे आखिर में जाएंगे। तो इस तरह क्या करता है, रोशन अपना शेड्यूल बदल देता है, सबके घर में दूध देता है, रीमा के घर में सबसे आखिर में जाता है और वहां घंटों बातचीत करता है। बातचीत धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है, दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं, रोज का क्रम बन जाता है। रोशन जो है वो सबके घर में दूध देने के बाद में रीमा के घर जाता और वहां पे घंटों रुकता, और रवि तो नौकरी करने चला जाता था, बैंक की नौकरी थी, तो उसको ऐसा तो है नहीं कि स्कूल कॉलेज की है तो आ जाएगा बीच में। बैंक की नौकरी सभी लोग जानते हैं, उसमें शाम को ही छुट्टी मिलती है। रोशन और रीमा का जो ये खेल था वो चल रहा था। इसी बीच एक कॉलोनी का बुजुर्ग व्यक्ति एक दिन रवि को रोकता है, रवि से कहता है, बेटा तुम्हारे घर में जो दूध वाला जाता है रोशन, ये काफी देर वहां रुकता है, घंटों बात करता है, अपने घर में देखो क्या स्थिति है, उसको समझो। रवि सुन लेता है उस बात को, अपने घर आता है, रीमा से कुछ नहीं कहता है। अगले दिन जब बैंक जाता है रवि, तो वहां बैंक से फोन करता है रीमा के पास कि मैं एक हफ्ते के लिए बैंक के काम से जा रहा हूं, एक हफ्ते बाद आऊंगा। रीमा कहती है, ठीक है,
रवि कहता है कि अपनी बहन को बुला लो या माँ को बुला लो। रीमा कहती नहीं, मैं काम चला लूंगी, किसी को नहीं बुलाऊंगी। ये कह जब वो बैंक में ही था उसने ये बात कही। इसी बीच रोशन आता है। उसके बाद में रीमा और रोशन अपना जो करते हैं अवैध काम वही करने लगते हैं। उसके बाद में रोशन जब जाने लगता है तो रीमा कहती है आज मत जाओ, अब वो एक हफ्ते के लिए चले गए हैं, आज यहीं रुक जाओ। रोशन कहता है ठीक है मैं रुक जाता हूं। ये कह के वो जाता है, अपनी बाइक जो है एक दुकान पे खड़ी करके आता है और रीमा के साथ में वहीं पे घर में रुक जाता है। इसी बीच रोशन आ जाता है अपने समय पर। उसने कहा था एक हफ्ते बाद आएंगे लेकिन आ जाता है अपने समय पर। आने के बाद में वो क्या देखता है, खिड़की खुली हुई थी, दरवाजा लॉक था। वो खिड़की से अंदर झांकता है तो देखता है उसकी पत्नी जो है बिना कपड़ों के दूध वाले के साथ में गलत काम कर रही थी। जो रवि था वो भौचक रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, रवि के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बाहर आता है, थोड़ी देर शांत रहता है, दरवाजा खुलवाता है। रीमा आती है परेशान होकर के, दरवाजा खोलती है और जो रोशन था वो घर में ही कहीं छिप जाता है। रवि अपनी पत्नी से कहता है कि 3 कप चाय बनाओ। रीमा कहती है 3 कप चाय क्यों कह रहे हो, तुम तो 2 कप कहते हो। रवि कहता है नहीं मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, 3 कप चाय बनाओ। रीमा परेशान थी क्योंकि उसकी पोल लगभग खुलने वाली थी, घर में ही दूसरा शख्स भी मौजूद था रोशन दूध वाला। 3 कप चाय बना के लाती है। रवि कहता है बाहर निकलाओ, मैं तुमको देख रहा हूं, तुम बेड के नीचे छिपे हो। रोशन बाहर आता है, कांपने लगता है। रीमा भी पसीने पसीने हो जाती है, दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं। रवि कहता है कोई बात नहीं है चाय पियो। चाय पी करके जब वो चाय पी लेता है, चाय खत्म करता है, दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रोशन और रीमा को, कि रवि क्या कर रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में पैर पकड़ के माफी मांग के रोशन जो है वहां से भाग जाता है। रवि इस बारे में कोई बात नहीं करता है, दोनों लोग सो जाते हैं रवि और रीमा। अगले दिन रवि अपना रोज की तरह बैंक जाता है और वहां जाने के बाद फिर रोज की तरह आ जाता है, रीमा से इस बारे में कोई बात नहीं करता है। 2 दिन बाद पड़ता है संडे, रवि कहता है रीमा से चलो मार्केट चलते हैं, मॉल चलते हैं। रीमा सोच रही थी शायद रवि भूल गया है और इसको इसने अपनी बातें जो है वो भुला दी है। रीमा बड़ी खुश हो जाती है, मार्केट जाती है। रवि कहता है जितना मन हो वो खरीदारी कर लो। रीमा मार्केट में काफी खरीदारी करती है। खरीदारी करवाने के बाद में रवि इनको कार में बिठाता है, कपड़े पड़े लेता है और ले चलता है। जंगल के रास्ते होकर जा रहा था, रीमा देखती है जंगल के रास्ता मुझको लिया है। रीमा वहीं हाथ जोड़ के माफी मांगने लगती है, कहती है मुझको माफ कर दो, अगर तुम मुझको मारने जा रहे हो तो ऐसा मत करो। रवि कहता है कि नहीं मैं तुमको मारने नहीं जा रहा हूं, परेशान मत हो मेरे साथ चलती रहो। ऐसा कहकर रवि गाड़ी चलाता है, रीमा साथ में डरी सहमी बैठी थी। रवि आगे जाके एक गांव में गाड़ी रोकता है, गाड़ी रुकती है, रात का बजा था करीब 9, गाड़ी रुकती है, सब गांव के लोग आ जाते हैं कौन सी गाड़ी आ गई। जिसके दरवाजे पे रुकती है वो रोशन का घर था। रवि रोशन को बुलाता है, रीमा से कहता है अब तुम इसी के साथ में रहो, मेरे अंदर जरूर कोई ना कोई कमी थी जिससे तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो रही थी, अब तुम इसके साथ में खुश हो तो इसी के साथ में रहो। रीमा माफी मांगने लगती है, पैर पकड़ने लगती है, कहती मुझको यहाँ नहीं रहना है, मुझको अपने घर ले चलो। रवि कहता है नहीं मैं तुमको अब नहीं ले जा सकता हूँ, ऐसा करके उनको छोड़ देता है। रीमा के पिता को फोन करता है, उनसे बता देता है कि तुम्हारा जो है दामाद, तुम्हारा जो दामाद है वो अब मैं नहीं हूं आज से। रीमा ने रोशन को पसंद कर लिया है, रोशन जो दूध लेके आता था हमारे यहाँ, उसने उसके साथ में वो खुश है और मैंने इनकी खुशी को स्वीकार किया है, ज्यादा कुछ न करके मैंने रीमा को रोशन के को सौंप दिया है, दोनों खुशी खुशी रहेंगे। ये कहकर रोशन वहां से चला आता है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए क्या जो रवि है उसने सही किया रीमा और रोशन के साथ में, रवि ने सही किया या नहीं किया, जैसा भी हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे किसी नई अगली सच्ची घटना में, सच्ची कहानी
लेकर के आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।